स्वागत है आपका नई रिएक्शन वीडियो पर। आज की जो रिएक्शन वीडियो होने वाली वो होने वाली सलमान खान के ऊपर। उनके 10 ऐसे अमेजिंग फैक्ट हम देखेंगे जो शायद हम लोग नहीं जानते होंगे। आपको इसकी ओरिजिनल वीडियो देखनी है तो आप सेलिब्रिटी न्यूज़ के ऊपर जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल, उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उनके दूसरे वीडियोज भी उन पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की, जो कि इस मुश्किल कोरोना वायरस सिचुएशन में सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं आम जनता की। सलमान खान एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से आज पूरे हिंदुस्तान का दिल जीता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सलमान खान की 10 ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, और ये बातें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1, आप में से जो लोग ये सोचते हैं कि सलमान खान का रियल नेम सलमान खान है तो आप गलत सोचते हैं। सलमान खान का रियल नेम है अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान। अच्छा। और ये नाम सलमान खान को अपने ग्रैंडफादर से मिला था। नंबर 2, सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया, जिस मूवी की वजह से सलमान रातों रात स्टार बन गए, उस फिल्म के डायरेक्टर की सलमान खान पहली चॉइस नहीं थे। इस फिल्म के डायरेक्टर ने दीपक तिजोरी और पीयूष मिश्रा को पहले कंसीडर किया था, लेकिन उन्होंने ये रोल करने के लिए इनकार कर दिया। फिर एक दिन फिल्म के डायरेक्टर सूरज बरजातिया की मुलाकात सलमान खान से हुई और सलमान खान की पोर्टफोलियो पिक्चर्स देखकर वो काफी इंप्रेस हुए। फिर जब सूरज बरजातिया ने सलमान खान का ऑडिशन लिया तो उन्हें उनकी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई और सलमान खान को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर लगभग 4 महीने तक फिल्म के डायरेक्टर को इस फिल्म के लिए कोई भी एक्टर ना मिल सका, और एक बार फिर उन्होंने फिल्म के लिए दोबारा से ऑडिशंस लेना स्टार्ट कर दिए, जिसमें सलमान खान ने एक बार फिर इस मूवी के लिए अपना लक आजमाया और सलमान खान इस बार ऑडिशंस में सफल हुए और उन्हें इस फिल्म के लिए सिलेक्ट कर दिया गया, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धूम मचा दी। ये फिल्म सलमान खान के एक्टिंग करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। मतलब फिल्म में किस्मत से मिली है। वैसे तो सलमान खान की रिलेशनशिप के बारे में जब भी बात होती है तो उनके नाम के साथ हमेशा कैटरीना कैफ को ही जोड़ा जाता है, लेकिन दोस्तों आप शायद ये नहीं जानते हो कि सलमान खान कैटरीना से पहले इंडियन एक्ट्रेस संगीता बिजलानी को डेट कर रहे थे और करीब 8 साल तक उन्होंने एक दूसरे को डेट किया, और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि इनकी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी और कार्ड भी छप चुके थे, और रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 मई 1994 में इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से शादी के कुछ दिनों पहले इन्होंने ब्रेकअप कर लिया और ये शादी ना हो सकी। नंबर 4, बॉलीवुड के दोनों पॉपुलर स्टार सलमान खान और शाहरुख खान के आपसी रिश्ते भले ही आज बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कोई वक्त था जब इन दोनों का आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। काफी टाइम भी चला था। दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जाता है कि 2008 में कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी पर शाहरुख और सलमान के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। अच्छा, और इसके बाद काफी सालों तक दोनों एक दूसरे से बात भी करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन कुछ सालों पहले दोनों की मुलाकात एक इफ्तार पार्टी में हुई थी और सलमान खान ने पहल करते हुए शाहरुख खान को गले लगाया और फिर से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और दोनों ने पिछली सारी कड़वी बातें भुला दी। और 2015 में शाहरुख खान अपनी फिल्म दिलवाले की प्रमोशंस के लिए सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस में भी गए थे। नंबर 5, जनवरी 2000 में सलमान खान बॉलीवुड मूवी बुलंद में लीड रोल प्ले कर रहे थे। इस फिल्म में उनके साथ सोमी अली काम कर रही थी। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जाता है कि संगीता और सलमान खान की शादी टूटने का कारण सोमी अली है, और बाद में सलमान खान और सोमी अली की रिलेशनशिप काफी चर्चे में भी थी सोशल मीडिया पर, लेकिन कुछ ही वक्त बाद सलमान खान का सोमी अली के साथ भी ब्रेकअप हो गया। नंबर 6, सलमान खान की एनजीओ बीइंग ह्यूमन के होते हुए भी सलमान खान कई अलग अलग चैरिटी वर्क करते हैं। 2012 में सलमान खान यूपी में शूटिंग कर रहे थे और उन्हें वहाँ पता चला कि जेल में कई ऐसे कैदी हैं जिनकी सजा तो पूरी हो चुकी है, लेकिन उनके पास जुर्माना अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं और इसी कारण उन कैदियों को जेल में ही रखा जा रहा है। तो इसी कारण सलमान खान ने उन कैदियों के लिए एक एनजीओ को 40 लाख रुपए डोनेट किए थे और उस रकम से 4000 कैदियों को 63 जेलों से रिहा कर दिया गया था। नंबर 7, सलमान खान को लोगों को स्पेशल इवेंट्स पर महंगे महंगे गिफ्ट देने के लिए भी जाना जाता है। सलमान खान की दबंग 2 मूवी के लिए करीना कपूर ने आइटम सॉन्ग फेविकॉल के लिए पैसे नहीं लिए थे और इसी कारण सलमान खान ने फिर करीना को BMW कार गिफ्ट की थी। नंबर 8, एक्सीडेंट से भी सलमान खान का काफी खास नाता रहा है। 28 सितंबर 2002 को मुंबई में उनकी कार ने फुटपाथ पर सोए हुए 4 लोगों को कुचल दिया था, जिसमें से एक की मौत हो गई थी और सलमान खान पर केस हो गया था,
और ये केस काफी लंबे समय तक चला और करीब 13 साल बाद जाकर सलमान खान ने इस केस से छुटकारा पाया। 13 साल। नंबर 9, सलमान खान अपने हाथ में ब्लू कलर का स्टोन वाला ब्रेसलेट पहनते हैं। ये ब्रेसलेट को उनके फादर ने 2002 में गिफ्ट किया था और वो वक्त सलमान खान की लाइफ और कैरियर का बहुत मुश्किल वक्त था। और सलमान खान बताते हैं कि ये ब्रेसलेट उनके लिए बहुत लकी है और वो इसे कभी नहीं उतारते। नंबर 10, दोस्तों अब हम आपको सलमान खान का बहुत ही वियर्ड फैक्ट बताएंगे जो शायद आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। सलमान खान को साबुन कलेक्ट करने का बहुत शौक है। उन्हें साबुन की महक बहुत अट्रैक्ट करती है। वो जब भी किसी शॉप या एयरपोर्ट पर जाते हैं वहाँ से साबुन जरूर लेते हैं। नई चीज बताइए। काफी अच्छा वीडियो बनाया था, है ना। फैक्ट्स, हालांकि कुछ फैक्ट्स थे जो पता थे, जानते थे, जैसे इनका नाम को लेकर पहले आ चुका है, ब्रेसलेट को लेकर भी आ चुका है, संगीता बिजलानी इनको लेकर भी आ चुका है, सोमे अली खान इनका भी आ चुका है, लेकिन जो उनका सोप कलेक्ट था वो हाँ, फर्स्ट टाइम देखा, फर्स्ट टाइम लगा और अच्छा लगा। अननोन फैक्ट्स में से ज़्यादातर फैक्ट्स जाने पहचाने थे, लेकिन उनको एक तरह से जोड़ रखा था, पूरी तरीके से डिटेल दे रखी थी। जैसे अगर इनके ब्रेसलेट की बात करें तो कब दिया, किसने दिया, सब कुछ बता रखा है। तो इस तरह से एक डिटेल्ड फैक्ट्स के बारे में जो ऑथेंटिक जानकारी होती है ना, डिटेल्ड जानकारी होती है, तो वो बता रखी थी इसमें, तो वो एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि क्लिक किया और पूरी डिटेल उसके अंदर मिल गई। जो फैक्ट्स अच्छे हैं तो उनके बारे में जान, चाहे अपन उसको जानते हो, हाँ कि अरे हाँ यार उनके साथ ब्रेसलेट तो वो पहनते हैं तो सोमे अली खान को हम जानते हैं, लेकिन पूरी बात क्या थी। अब जैसे बताया कि संगीता बिजलानी के साथ इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन सोमे अली खान की वजह से टूटा और पता नहीं था। एक जो वो जब भी जिस मूवी के बारे में बताया था, जो फर्स्ट फैक्ट था जिसमें मूवी के अंदर इनको पहले लिया नहीं था, उनकी चॉइस नहीं थी, हाँ, और दूसरी मूवीज दूसरे जो एक्टर हैं उनको ये मूवी दी जा रही थी, है ना, लेकिन बाद में मतलब किस्मत बोलो उसको, लक बोलो कि हाँ बिल्कुल उनको आना था, तो एक बाई लक उनको मूवी मिली, या हो सकता है कुछ और कारण भी रहे हो, उनको मूवी मिली। मूवी मिलने के बाद जो मेहनत की है, जिस तरह, क्योंकि लोग इनके फेस की वैल्यू जानते हैं, इनको देखते हैं, सबसे बड़ी बात लोग इनके फ़ैन हैं, और अभी से नहीं है, पुराने टाइम से हैं, जो लगभग 45-50 अराउंड जो एज के ग्रुप वाले हैं, तो वो भी सलमान को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जब वो यंग थे तो वो भी यंग थे, तो उस वक्त वो काफ़ी, उनका जो कहते हैं कि जीन्स वगैरह का जो रियल में चलन लेके आया है पूरे देश के अंदर, तो वो ये लेके आए थे। पहले जींस चलती थी, लेकिन पूरा ट्रेंड जो चेंज किया वो सलमान खान ने किया है ना, उनकी तरह से जींस वगैरह पहनना करना, और इनकी जो जिस तरह से एक्टिंग के लिए बोलते हैं कि इनकी तो पर्सनालिटी है, तो वो पूरी मतलब एशिया में टॉप 10 के अंदर आते, टॉप 10 के मतलब एशिया में नंबर 1 पे थे, और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये 7वें नंबर पे उस वक्त आए थे, तो जज का जो कमेंट था, वर्ल्ड की भी बात करें तो ये टॉप 10 के अंदर ही रहे बिल्कुल, और 7वें नंबर पे थे, और जज का ये कमेंट था कि सलमान खान एक मतलब जिस तरह से गुलाब का फूल होता है उस तरह से एक फेस रखते हैं बिल्कुल मासूम सा, और इनकी बॉडी बिल्कुल जैसे, तो दोनों एक कॉम्बिनेशन इनका अच्छा था, तो इसकी वजह से शायद, अगर हो सकता है कि हाइट की वजह से थोड़ा ये मात खा गया, शायद ये 7 से और भी अपर जा सकते थे, बाकी अगर बात करें तो उनकी हाइट वगैरह का कुछ लगता नहीं है, अगर देखा जाए तो कभी कुछ अंदाज़ा नहीं होता है, जो हेल्थ वगैरह उस हिसाब से ठीक है उनकी। कैसे लगे आप सभी को ये फैक्ट्स जरूर बताइएगा, ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।